अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। अब स्कैनर की मदद से की जाएगी असली व नकली शराब की पहचान। सुल्तानपुर में आबकारी विभाग ने नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नया प्रयोग किया है। अब प्रत्येक दुकान पर स्कैनर लगाया जाएगा, जिसकी मदद से असली और नकली शराब की पहचान की जाएगी। सोमवार को आबकारी विभाग के द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें विक्रेताओं सेल्समैनों को प्रशिक्षण दिया गया। लाइसेंसी दुकानदारों को बताया गया कि उन्हें कैसे स्कैनर की मदद से स्कैन करने के बाद ही ग्राहक को शराब देना है, मशीन का प्रयोग कैसे करना है। इसका प्रशिक्षण दिए जाने के उपरांत सभी दुकानदारों को स्कैनर मशीन प्रदान किया गया। अब दुकानदार को ग्राहक को देने के पूर्व शराब की बोतल को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के उपरांत ग्राहक को शराब दे सकता है। सुनिए आबकारी विभाग के अधिकारी ने क्या कहा। इस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है बॉस? ये आज जो है जनपद सुल्तानपुर में हमारे यहाँ जो आबकारी की दुकानें हैं उन पर बिक्री के लिए POS मशीनें बनाई गई हैं। जितनी भी हमारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बियर की जितनी भी दुकानें हैं, जिनकी संख्या 269 है, उन सभी के लिए एक एक दुकान पर एक एक POS मशीन रखवाई जाने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए सारी मंगवाई गई हैं। उनका आज प्रशिक्षण हो रहा है और साथ ही साथ उनका आज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। अच्छा, इसे जो नकली शराब आ रही है, जो बाहर से शराब आके बिक रही है, डुप्लीकेसी हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये जो है निश्चित रूप से जो अगर कहीं गलत मदरा, क्योंकि इसमें एक स्कैनिंग सिस्टम है, तो स्कैनिंग के पश्चात ही उसकी बिक्री होगी, तो इस पर अगर कहीं इस बात की संभावना होती भी है कि कहीं कोई गलत तरह की शराब की बिक्री हो जाए, उससे वो और पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्या नाम है इस मशीन का? ये ओएसएस कंपनी की मशीन है और उसके अधिकारीगण भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर आए हुए हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, उसके बारे में वो बताएंगे। तो ये अखंड दर्पण न्यूज के लिए सुल्तानपुर से मोहम्मद अफसर की रिपोर्ट।